हेलो एवरीवन, दिस इज केशव और आज हम सीखेंगे कैसे हम एक फर से, फैदर से एक ब्रश बना सकते हैं, एक फाइन ब्रश जो जिससे हम पेंटिंग में जो फाइन लाइंस होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको कोई सा भी फैदर जो आपको रोड साइड किनारे मिल जाए, आजकल बर्ड्स वैसे फैदर फेंक देते अपना, तो उस फैदर को, उस पंख को उठाकर आप उससे ब्रश बना सकते हैं। और सिर्फ फैदर चाहिए और एक सीज़र चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। पहले हम जो फैदर है हमारा उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, बीच वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, उसे सीज़र की सहायता से काट लेंगे। और देख सकते हो आप कैसे, यानी हल्का सा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, जो बीच वाला पार्ट है थोड़ा सा हार्ड होता है, तो थोड़ा सा सीज़र आप अच्छे से चलाइएगा। जैसे ही आप दोनों पार्ट को कट कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपके तीन पार्ट अलग हो गए, अब जो ये लास्ट वाला पार्ट था ना आपका, इसको आपको जो यहाँ जहाँ से बंद है ये वहाँ से खोलना है। तो कैची से उतना ही पार्ट काटना है जितना आपको, यानी ब्रश को पिरोना है, उससे ज़्यादा मत काटिएगा, कोशिश करिएगा थोड़ा सा कम ही कटे, बट ये पूरा ओपन हो जाए, ठीक है। जैसे कट कर लोगे आप, उसके बाद आपको जो इसके अंदर वाला कुछ चीज़ है इसके अंदर ना, उसको हमें निकालना है किसी सुई की सहायता से या किसी भी पैनी चीज से, उसे आप साफ़ कर सकते हो अंदर से। जैसे ही आपका लास्ट वाला पार्ट रेडी हो जाता है, अब जो ये बीच वाला पार्ट है इसको हम दो पार्ट में काटेंगे, ठीक है। नीचे वाला पार्ट थोड़ा कम लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे से मोटा होता है फर। तो अब जैसे ही आपने देखा होगा, ये बीच वाला पार्ट हम साइड में कर लेंगे, बीच वाले पार्ट के जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम ब्रश बनाएंगे, और सबसे नीचे वाला पार्ट था जो, वो हम उस ब्रश को पिरोएंगे, उसका होल्डर बनाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे पिरोना है, और ये पूरा पिरोने वाला स्टेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे सुई में धागा पिरोना होता है, ये उससे भी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि मेरे जब मैं ये सब ब्रश बना रहा था तो कम से कम 3 से 4 फैदर मेरे ख़राब हुए थे। तो ये वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा, यानी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके करना है ये आपको, ठीक है। तो जो जैसे आपने काटा तो उतना ही काटना है जितना, यानी वो फैदर अंदर तक जा सके, ठीक है, और ब्रश बना सके। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे अच्छे से, यानी पिरो पाया हूँ उसे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर ऐसे आपको आगे की ओर धक्का देना है जिससे वो फैदर अपनी, यानी ब्रश वाली शेप में आते रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको धीरे धीरे हल्के हाथ से आगे की तरफ धकेलना है उसे, ठीक है। जो ये लास्ट वाला पार्ट था उसको आगे की ओर धकेलना है, और जैसे ही आप किनारे तक आते हैं तो ये बिल्कुल ब्रश वाली शेप ले लेता है, ठीक है। जैसे आप एक फैदर से अच्छे से ब्रश बना सकते हैं, इससे आप देख सकते हैं कैसे, और यानी ऑर्गेनिकली, यानी आपने किसी को, यानी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। फैदर भी आजकल यानी कहीं पे भी सड़कों पर मिल जाते हैं। और फिर हम इसको कैसे यूज़ करते हैं अपने पेंटिंग्स में फाइन लाइन क्रिएट करने के लिए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने फाइन लाइन के लिए, जैसे ये देख सकते हो टहनी वहनी बनाई वाइट कलर से, और यानी पूरी सीनरी के लिए जो फाइन लाइंस थी वो मैंने इसी ब्रश से क्रिएट करी है, जिससे पेंटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटी आती है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कि मैं वाटर कलर में भी इसका, यानी कई बारीक जगह पर यूज़ करता हूँ इस ब्रश का, ये काफ़ी फाइन है। जैसे आप राउंड शेप में ले जाओगे ना इसे, तो बहुत अच्छा राउंड शेप भी बनाता है ये फैदर, आप देख सकते हो, बहुत फाइन लाइन के लिए तो बहुत ऑसम है ये ब्रश। आप जितनी चाहे फाइन लाइन क्रिएट कर सकते हो, अगर आप फाइन लाइन क्रिएट करने के इच्छुक हो तभी ये ब्रश बनाना, क्योंकि फाइन लाइन क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, और कलर की एकदम ओपेकनेस बिल्कुल मेंटेन रहनी चाहिए। आप देख सकते हो ये हार्ड नहीं है ब्रश, ये सॉफ्ट ब्रश है, तो यानी हमारी हैंडलिंग भी इस ब्रश की उसी के अकॉर्डिंग होती है।
आप देख सकते हो जो फाइन लाइन होती है ना वो इससे बहुत बेहतर आती है। और आप देख सकते हो मैं पेंटिंग में कैसे ये इसका यूज कर रहा हूं। और आप इस ब्रश को बनाओ तो मेरे को भी दिखाना कि मैं भी कल को आपको यानी अप्रिशिएट करूं कि आपने मेरी वीडियो देखकर एक ब्रश बनाया। बारीक लाइनों में ये ब्रश बिल्कुल सबसे टॉप पर मैं रखता हूँ अपने प्रायोरिटी में। आप देख सकते हो जो पीछे के मैंने बनाए थे इसमें एकदम फाइन लाइन से कैसे आउटलाइन भी इतनी फाइन होती है ना इसमें। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे भी कई जगह इसका यूज़ किया है इस ब्रश का वाटर कलर में स्पेशली। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और ये ब्रश बना सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। केशव दिस साइड एंड साइनिंग ऑफ।